हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नकवी डोस्टेप। आज की मेरी वीडियो UMDC यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के रिलेटेड है। आज की इस वीडियो में हम कॉलेज का रैंक देखेंगे, कॉलेज के साथ अटैच्ड हॉस्पिटल कौन सा है, उसका रैंक कैसा है, और कॉलेज की फैकल्टी कैसी है, और यूनिफॉर्म कौन सी है, और इसके अलावा इस कॉलेज में माइग्रेशन पॉलिसी क्या है, और जितनी भी चीज़ें हैं इसके रिलेटेड, जितने भी फैक्ट्स हैं, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किए कि UMDC पे भी एक वीडियो बनाए, तो मैंने वीडियो बना दी है। अगर आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर लेते हैं, तो ये रही हमारी रिकॉर्डिंग, इसको हम प्ले करते हैं यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। कॉलेज बहुत अच्छा है, बिल्डिंग वाइज फैसलाबाद में सबसे बेस्ट कॉलेज है। इसकी बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, हॉस्टल हॉस्पिटल स्टाफ भी सही है, रिजल्ट इसका इंडिपेंडेंट की तरह है, और हॉस्पिटल इसका सबसे अच्छा है। मतलब इस तरह के फैसलाबाद के जो बेस्ट डॉक्टर्स हैं, सेकंड टाइम फर्स्ट टाइम सब के सब नहीं होते हैं। मदीना हॉस्पिटल में सब डिपार्टमेंट अच्छे हैं, मेरिट भी इतना ज़्यादा हाई नहीं होता, सिर्फ ये है कि ये सिर्फ गर्ल्स के लिए बना हुआ है, और गर्ल्स जो होंगे ना फैसलाबाद के वो ज़्यादा प्रेफर। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि कोई भी कॉलेज है, जस्ट आपने कॉलेज की रैंक नहीं देखनी, बल्कि आप लोगों ने उस कॉलेज के साथ अटैच्ड हॉस्पिटल उसको भी देखना है, क्योंकि MBBS एक क्लिनिकली बेस्ड आपका वर्क है। तो जो अटैच्ड हॉस्पिटल है उसकी वर्किंग देखनी है, उसमें जो अथॉरिटी पे बंदे बैठे हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं कैसे हैं, और कॉलेज या वो हॉस्पिटल कैसे रन करता है, उसके कितनी बेड लगे हैं उसमें, सारी चीज़ें उसमें देखनी होती है। तो इसका जो हॉस्पिटल है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इस वजह से भी स्टूडेंट्स इसको प्रेफर करते हैं और करना चाहिए। करते हैं अजीज बात मोगो, क्योंकि उन्होंने डेली आ जाना होता है, डे स्कॉलर्स जो हैं। तो जो दूसरे होंगे ना, मतलब हॉस्टल है, तो वो फिर ज़्यादा इसे प्रेफर करते हैं। अगर डे स्कॉलर है तो वो अजीज बात मोगो, क्योंकि उसका रिजल्ट इससे ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आजकल आपको पता है कि वो NLE आ गया है और ये चीज़ें, तो हर बंदा हाउस जॉब अपने कॉलेज में कर रहा है, तो उस लिहाज से बेस्ट है, क्योंकि इनका हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा अच्छा है। पेशेंट फ्लो आई थिंक फैसलाबाद में जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है ना, अलाइड के साथ, मतलब पंजाब FMU के साथ अफिलिएटेड, उनके बाद प्राइवेट में सबसे बेस्ट है ये हॉस्पिटल, इनका बहुत अच्छा है। अगर आप हैं मतलब बाहर से, तो बहुत ही लोकेशन इसकी अच्छी है कि फैसलाबाद से तो मतलब साइड पे है, सकोदा रोड पे मोटरवे से सिर्फ 4 किलोमीटर के फासले पर है, इस लिहाज से ना बहुत रूट इसका अच्छा है। बाकी अगर आप इधर दूसरी साइड से हैं, मतलब पीछे से हमारी वाली साइड से आते हैं, तो इधर से मुश्किल थोड़ा होता है, क्योंकि एंड पे जाना पड़ता है सिटी के। अगर आप मोटरवे से आते हैं तो बिल्कुल साथ ही है मोटरवे के, 4 किलोमीटर। बाकी इधर सस्ती वगैरह गर्ल्स के लिए होती है काफ़ी ज़्यादा, मतलब बाहर जन्स है ना, आने जाने के लिए परमिशन और ये चीज़ें होती हैं। बाकी अच्छा है उस लिहाज से, फीस थोड़ी इसकी ज़्यादा होती है, क्योंकि मेस वगैरह हर चीज़ें हॉस्टल अंदर होता है ना, तो फीस इनकी बढ़ जाती है इस लिहाज से, क्योंकि मेस भी परमानेंट एनुअल ले लेते हैं फीस 4 लाख, 3-3.5 जितने भी होती है, इस लिहाज से थोड़ा महंगा होता है, बस बाकी तो सही है। तो भाई, इस तरह की कोई भी लीगल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कोई नहीं देगा, ठीक है, जो मैं आप लोगों को देते रहता हूँ अक्सर विद प्रूफ या रिकॉर्डिंग के साथ। तो जैसे कि आपने सुना है कि इसका हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, इसके हॉस्टल्स भी अच्छे हैं, इसमें जस्ट गर्ल्स हैं, ठीक है, तो गर्ल्स के लिए अच्छा है, वो इसमें सेफ रहेंगी, और मतलब अपनी फ्रेंड्स के साथ वो इजीली कंबाइंड स्टडी भी कर सकती हैं। और इसके अलावा बाकी भी इसके काफ़ी फैक्टर्स हैं, कॉलेज अच्छा है, फैसलाबाद का मतलब के टॉप कॉलेज समझ लो ये है, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद भी इसे बोलते हैं, या UMDC यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। इसके साथ जो अटैच्ड हॉस्पिटल वो है मदीना टीचिंग हॉस्पिटल, और PMC की तरफ से इसे ए अवार्ड किया गया, ठीक है ना, ए है, एक ए प्लस भी होता है, इसे ए अवार्ड किया गया, ठीक है। और इसके साथ जो अटैच्ड हॉस्पिटल है उसका नाम मदीना टीचिंग हॉस्पिटल है, और इस हॉस्पिटल में 600 बेड्स हैं, 600 बेड इस हॉस्पिटल में है, तो काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। और इसके अलावा ये जो
कॉलेज है ये रिकॉग्नाइज है पीएमसी के साथ और यूएचएस के साथ भी है और सीपी एसपी के साथ भी है और पीएनसी यानी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के साथ भी यानी ये अटैच्ड है। और इसके अलावा इसका जो हॉस्पिटल है वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के साथ भी अटैच्ड है या लाइसेंस्ड है उसके साथ, ठीक है। और इसके अलावा इसकी जो फैकल्टी है डॉक्टर्स वगैरह नर्सें वो भी बहुत अच्छी हैं। और इसके अलावा इस हॉस्पिटल में पर डे 80 ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, एक दिन में 80 ऑपरेशंस किए जाते हैं, ठीक है। तो ये इस कॉलेज का हॉस्पिटल था, इसकी अबाउट इंफॉर्मेशन थी। और अब हम दूसरा के ये जो कॉलेज है इसमें जस्ट गर्ल्स हैं, ठीक है ना, वुमेन कॉलेज है ये। और इसके अलावा अब हम देख लेते हैं ये इस कॉलेज की यूनिफॉर्म आप देख रहे हैं, ठीक है, वाइट ड्रेस है और मेहरून स्टॉलर है या उसमें साथ जर्सी वगैरह, ठीक है। और ये फर्स्ट ईयर की वो और यह वाइट कोर्स सेरेमनी है। और इसके अलावा आप कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं इस कॉलेज के रिलेटेड, जैसे कि एकेडमिक रूल्स क्या हैं। इस कॉलेज में माइग्रेशन जो है या ट्रांसफ़र ऑफ स्टूडेंट्स इज़ नॉट अलाउड इन एनी सरकमस्टांसेस, तो किसी भी सूरत में माइग्रेशन अलाउ नहीं है, इस कॉलेज से आप माइग्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। और इसके अलावा आप लोगों को जो समर ब्रेक है वो भी दी जाएंगी एज़ पर रूल। और जो अटेंडेंस की बात करें तो 75% होनी चाहिए ईच लेक्चर में, एवरी सब्जेक्ट के लेक्चर में 75% अटेंडेंस होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को कह रहे हैं कि नॉट विल बी अलाउड टू अपेयर इन यूएचएस एग्जामिनेशंस, तो आप यूएचएस के एग्जाम्स में नहीं बैठ सकते, आप पेपर नहीं दे सकते, ठीक है। तो 75% आप लोगों की अटेंडेंस होनी चाहिए। तो आप लोगों ने रिपीटेड एब्सेंस भी शो नहीं करनी, जैसे कि लेक्चर्स में या सेमिनार्स या हॉस्पिटल्स के वार्ड्स में, तो रिपीटेड एब्सेंस नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ और रूल्स हैं इस कॉलेज के, जैसा कि गैदरिंग या स्टूडेंट्स की कोई मीटिंग वगैरह भी इसमें अलाउ नहीं है। और इसके अलावा दूसरी स्मोकिंग भी इसमें अलाउ नहीं है। और इसके अलावा अगर हम हॉस्टल की बात करें तो उसमें ये है कि नो गेस्ट्स आर अलाउड टू स्टे इन द हॉस्टल, आप लोगों का जो गेस्ट है वो हॉस्टल में स्टे नहीं कर सकता, ठीक है। और इसके अलावा कोई इसमें रिलीजियस सेरेमनी भी नहीं है। और इसके अलावा बाकी इसमें क्या बता रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं 75% मैंने आप लोगों को पहले बताया कि अटेंडेंस होनी चाहिए आप लोगों की। और कंसेक्टिव आप लोगों ने क्लासेस भी नहीं छोड़नी, एक हफ्ते में आप एक छुट्टी कर लिया करें, ठीक है। और इसके अलावा बाकी जो कॉलेज अच्छा है, अब हम इसकी समर यूनिफॉर्म की बात कर लेते हैं। वाइट शलवार कमीज़ है और मेहरून स्काफ है, और इसके अलावा विद इन कम्बिनेशन विद अबव और ब्लैक शूज़ हैं विद स्मॉल हील्स, ठीक है, और ब्लैक कलर की इसमें सॉक्स हैं और नी लॉन्ग वाइट ओवरऑल है, तो आप लोगों ने वाइट ओवरऑल भी ले लेना है। और इसके अलावा जैसे कि आपने सुना कि ये कॉलेज अच्छा है सॉरी मुझे ड्राइनेस है, तो कॉलेज अच्छा है ये और गर्ल्स इसको प्रेफर करती हैं। इसमें मैंने आप लोगों को पहले बताया कि माइग्रेशन आप लोग नहीं करवा सकते, और अगर आप किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, फर्स्ट प्रॉफ के रिलेटेड प्रॉब्लम है कि कैसे आप लोगों ने स्टडी करनी है और कौन से सब्जेक्ट्स आप लोगों ने अच्छे करने हैं, कैसे इम्प्रूव करने हैं और कौन से बुक्स को फॉलो करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और ये मेरी आज की वीडियो थी, अगर आप लोगों को पसंद है इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।